आंटी पता नहीं उनको अपनी भाषा में शायद अड़काना रही हो। यहाँ डॉगी दिख रहा है। नो थनी हेलो। जगह जगह इस तरह से इन्होंने बना रखा है। तो दो पान क्यों बनवा रहे हो? दो बारी गिरते गिरते बचे। कहीं बाहर नहीं दफनाते, यहीं दफना देते। अंकल जी की हालत हो गई खराब, उनके घर आए हैं और आंटी चले गए कि तुमने कुछ खिलाया है। और अंकल जी फाइनली हो गए कैंप अपने रेडी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई तो मतलब हम ठीक हैं। वहाँ लगाया था कैंप, समेट दिया है और 7 बज चुके हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस दोबारा से, और नया दिन इस वक्त है जकामा में। और जकामा विलेज अराउंड कोहिमा से 15 किलोमीटर ऊपर पड़ता है नागालैंड में। और फिलहाल तो ऑल ओवर कहानी है कि रात ठीक बीती, अगर मेरे पास कुछ ओढ़ने का होता तो मैं भी और अच्छी तरह बीत जाती। तो सुबह सुबह अंकल जी कल वाले वो आ गए थे, कर चाय पीने आओ चाय पीने आओ, बाकी तो फिलहाल उनको भेज दिया है क्योंकि उनकी वाइफ अनकम्फर्टेबल हो जाती है। मेरे ख्याल से वो पी के किसी को भी घर ले जाते होंगे शायद। और आर्मी वाले आए थे, चंदन भैया से बात हुई है तो वो बता रहे थे भैया हमारे पास ही आ जाते, आर्मी वाले उधर ही जा रहे हैं क्योंकि फ्रेश वगैरह होना है, कच्चा कच्चा रास्ता बना हुआ है, गाड़ियाँ भी यहीं से आती हैं। तो रात को हम जिस कैंप साइट की बात कर रहे थे वो ये कैंप साइट है, पर बंदा फिलहाल छुट्टी पे गया हुआ है, बंद है। तो इन फ्यूचर में आओ जकामा के अंदर कैंप साइट पे, यहाँ पे कैंप मिल भी जाते हैं और आप अपना कैंप भी लगा सकते हो। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू रहता है। अभी सुबह का डाउन शॉट देखिए। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life, a few friends. पता नहीं यहाँ के लोग फार्मिंग के ऊपर कितना खर्चा क्यों करते हैं। पता नहीं खेतों के अंदर ये पार्टीशन दीवारें बना रखी हैं इतनी बड़ी बड़ी पत्थरों की, और वहाँ पे प्रॉपर सरिये से दीवारें पिल्लर डाले जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि जनरली हमारे वहाँ हिमाचल में भी खेती बाड़ी होती है, पर इतना खर्चा खेतों में पार्टीशन करने पर कोई नहीं करता। पता नहीं क्या रीज़न है मालूम नहीं, अब जितने देखो खेत सब ने दीवारों की पार्टीशन कर रखे हैं। वो जो जगह है वहाँ पे बूट कैंप की जगह है, और ये एक ट्रिपल स्टोरी जो मकान है ये होम स्टे है, तो आप यहाँ भी रुक सकते हो। उसके अलावा हॉस्टल काफ़ी सारे हैं पर स्टूडेंट्स के लिए हैं। मैंने जैसे बताया ये होम स्टे है, तो नीचे दो फ्लोर में तो जो खुद हैं वो रहते हैं ऑनर, और ऊपर के दो फ्लोर उन्होंने दे रखे हैं। और यहाँ पर पर्सन ये चार्ज 600 विद इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट पर पर्सन, और डोरमेट्री कह सकते हैं। एक रूम में इन्होंने 3 से 4 बेड रखे हुए हैं जिसमें आप शेयरिंग कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो मे भी शायद कुछ कम कर लें। तो मैं इनको कार्ड दे रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो ये इनका कार्ड है और इन्होंने पैर पर डॉगी पाल रखे हैं। थैंक यू। तो बेसिकली क्या है कि इनसे बात हो रही थी कि यहाँ पे डुको वैली जो है वहाँ तक जाने का क्या तरीका है। तो जनरली क्या है, लोग जो है एक विश्वामा विलेज है, विश्वामा विलेज है, उस विलेज तक जाते हैं, और दूसरा है जकामा विलेज। हाँ, अगर आप जकामा विलेज से जाते हो रास्ता थोड़ा शॉर्ट है पर बहुत ही स्ट्रेट चढ़ाई है तो वो थोड़ा रिस्की है, और अगर आप विश्वामा विलेज से जाते हो थोड़ा लंबा है पर ज़िगज़ैग है तो वो एज़ कम्पेयर ठीक है। तो ज़्यादातर लोग विश्वामा विलेज से ही जाते हैं। जनरली मैंने जितने व्लॉगर्स की वीडियो देखी है 4 से 5 घंटे लगे हैं उनको ऊपर चढ़ने में, तो आप समझ सकते हो कितना होगा, वो भी वहाँ से बूट कैंप से, यहाँ से नहीं। स्कूल जा रहे हैं सारे। सो ये बॉयज़ का हॉस्टल है, तो लगे हुए थे मुँह हाथ धो रहे थे तो पूछा बाथरूम कर लें, तो गए चंद्र भैया अंदर। बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम है तो। यामा लवर 82 मॉडल है भाई अभी भी। हाँ, यामा ये बहुत बिकता था पहले, ही बहुत चलता था, अब तो कम हो गया, नहीं मिलता है। आप तो अब नहीं मिलता, क्या बात है। देख लो बच्चे लाइन से आ रहे हैं एग्ज़ाम देने, स्कूल वगैरह भी यहाँ चालू है। ये साइन बोर्ड है ना, हर गेट पे आपको इस तरह से दो निकले हुए मिलेंगे। तो भाई ये आर्मी का है, यहाँ पे आर्मी वाले स्टे कर रखे हैं। पता नहीं चंदन भैया किससे बात हुई है किससे नहीं हुई है। इस मंदिर है, मिल गया लगता है चंद्र भैया को जो सुबह मिले थे। फ्रेश फ्रेश हो ले,
उसका निकलेंगे। हम आ गए आर्मी के कैंप में, जिनसे बात हो रही थी मुझे लग नहीं रहा था वो मिलेंगे, पर मिल गए। तो ये वो कह रहे हैं नहाने के लिए पानी गर्म कर देते हैं, क्या बात है। ये चंदन भैया नहा लेते हैं रो रो नहा के, पता नहीं क्या घिसता है और क्या रगड़ता है, समझ नहीं आता है। चलो जो भी है, मैं कहा नहीं नहाना, फ्रेश फ्रेश होते हैं। तो भैया बैठ गए हम तो इनकी चेयर लेके बाहर, ब्रश व्रश कर लिया, फ्रेश व्रेश हो लिए हैं, मुँह हाथ धोएंगे भाई, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से। तो इन्होंने सुबह इनवाइट कर लिया था चंद्र भैया को, तो मुझे तो डाउट हो रहा था, मैं पता नहीं यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। मेनली इनका जो बेस कैंप है वो आपको कोहिमा में है, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ ही लोग हैं। और जो आगे आर्मी का काम करता रहता है ना रोड वगैरह का, तो मेनली उनकी फोर्स है। और यहाँ आर्मी के मेरे ख्याल से 3-4 जवान हैं, इनमें से एक जो जिन्होंने हमें ऑफर करा, वो उनको मैंने कैमरे में लिया नहीं, आपको कैमरे में ले लें। तो ये वो सर है जिन्होंने हमें ऑफर करा है, आ जाओ। आपका नाम क्या बताया था दोबारा? ये कलकत्ता से, प्रॉपर कोलकाता से आप? नहीं, मैं एक्चुअली बिहार का हूँ, कोलकाता में। अच्छा, बिहार के हैं, तो कोलकाता में कैसे? हम लोग सेटल हैं वहीं पे। 1.5-2 महीने हुए ना आपको यहाँ पे? इससे पहले ये ग्लेशियर में थे, 23,000 मीटर फिट। वहाँ तो स्नोफॉल कभी भी होता होगा? वहाँ पे ऑलरेडी स्नोफॉल ही है, स्नो की पूरी जितने आइस वाल है, पीक वगैरह है, स्नो का ही है, स्नो का ही है। ग्लेशियर का मतलब होता है एक बर्फ की नदी, ठीक है, जो पूरा ऊपर से तो बर्फ है मगर नीचे से क्या होता है, पिघलता रहता है। तो आपका कैंप उसके ऊपर था? हम लोग का कैंप उसके ऊपर, बर्फ पे रहना। ये तो रिस्की मामला है, तो कभी भी स्लाइड हो जाता है? हाँ, स्लाइड का भी खतरा है, उसका करवास का, मेन बेसिकली करवास का खतरा है, क्योंकि जो अंदर से नीचे से नदी जो बहती है, हाँ, तो बर्फ के अंदर क्या होता है, खिंचाव आता है, तो उसमें दरार पड़ता है। बेसिकली हम लोग करवास को बोलते हैं दरार, तो क्या है कि जो दरार खुल जाएगा उसके ऊपर फिर स्नोफॉल होगा, तो जो सॉफ्ट स्नोफॉल होता है उसके ऊपर आप चल रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो तो गंदा गया अंदर। हाँ, दिखेगा कि ऑलरेडी क्या है कि वो पूरा प्लेन है मगर जाते समय अंदर अंदर चले, इसीलिए हम लोग क्या होता है कि वहाँ रोको खोके चलते हैं, एक दूसरे को बांध के। रोको मीन्स होता है एक स्पोर्ट में अगर 6 आदमी है, हम एक दूसरे से एंकर होके चलते हैं सब। तो ये एक हादसे होते रहते होंगे आपके लोगों से? हादसे बहुत होते हैं। 21 साल से है और काफ़ी एक्सपीरियंस है अभी, तो लगते यंग है। उम्र अभी, उम्र कितनी है? 38 है। 17 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली थी इन्होंने। तो भैया चंद्र भैया तो नहाने के मूड में थे फिलहाल, तो मैंने उनको टोक दिया। फिलहाल इन्होंने ऑफर करा है मेस में ब्रेकफास्ट के लिए, चल रहे हैं देखते हैं खाने को क्या है। कल रात से कुछ नहीं खाया, तो हम क्या खा रहे हैं? ओहो, चेहरे पे तभी तो 12 बज रहे हैं। इनका मेस एरिया कंटिन्यू एरिया। तो भैया यहाँ पर इनका मेन्यू है, जैसे आज है फ्राइडे तो ये मेन्यू है आज का इनका। वैसे ज़्यादा लोग है नहीं यहाँ पर, डाइनिंग है, डाइनिंग एरिया है, स्पेस तो है, यानी मेरे ख्याल से यहाँ से 40-50 लोग तो है इतना क्वांटिटी का ना। पहले थे बट अभी चले गए, अलग अलग साइटों पर काम चल रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है, हर विलेजर के घर पे, उनके घर पे ही उन्होंने वो बना रखे कब्रिस्तान। हाँ, ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या है, क्रिश्चियन लोग हैं बेसिकली, ये लोग टोटली पूरे क्रिश्चियन हैं, तो ये लोग जहाँ मरते हैं ना वहीं पे करते हैं, जैसे घर के अंदर ही। हाँ, तो भैया आ गया ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ उपमा और चने हैं मेरे ख्याल से। पूरे 2 दिन बाद ढंग का खाना खाने लगे, वरना ट्रैवल में खाना मिलता नहीं ढंग का। जैसे कि आप प्लान कर रहे हो 7 सिस्टर घाट, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इस साइड, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे बाइक रेंट ले सकते हो। बाइक बेसिकली कैसे रेंट मिलती है और कहाँ मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। मेनली देखो, जनरली लोग जो आते हैं, अगर आप 7 सिस्टर आ रहे हो तो लोग आते हैं गुवाहाटी, और गुवाहाटी में भी आपको ट्रैवल इजीली आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगी। जो बाइक के प्राइसिंग है मैं आपको बता दूंगा, नंबर भी शेयर कर दूंगा। और आपका दूसरा ऑप्शन है शिलोंग, शिलोंग से भी आपको बाइक मिल सकती है। उसके अलावा आप जब निकल के घूमने का प्लान करते हो, तो जो रूट प्लान बनता है आपका, या तो गुवाहाटी से बनता है या फिर बनता है आपका इस साइड से दीमापुर से, नागालैंड से, तो आप इस साइड से घूमते हुए मणिपुर करते हुए पीछे से पूरा घूम सकते हो, अगर आपको पूरा रूट करना है। तो जनरली लोग गुवाहाटी घूमते हैं, उसके बाद वहाँ से चेरापूंजी शिलोंग जाते हैं, ये रूट लेते हैं, और आगे डॉकी रिवर है, क्लीनस विलेज है, ये रूट लेते हैं। तो अगर आप इस साइड का प्लान कर रहे हो, तो आप वहाँ पे आप इजीली, अगर आपने ट्रैवल करना है, टैक्सी नहीं लेनी है, पैसा बचाना है थोड़ा, क्योंकि टैक्सी डेफिनेटली कॉस्टली पड़ती है, शेयरिंग गाड़ियाँ मिलती है, वो आपने हमारे ब्लॉग में देख लिया होगा। पर अगर आप बाइक लेना चाहते हो, तो बाइक के लिए आप स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ आपको, 500 रुपये में पर डे स्कूटी चार्ज है, और जो कि आपका एक ओरिजिनल आईडी आपसे रख लेंगे और आपको बाइक दे देंगे। कंडीशन वगैरह चेक कर लेना प्रॉपर तरीके से कि कोई दिक्कत ना हो, रिकॉर्ड कर लेना, कल को ये ना हो कि आप वापसी करो तो कहो भैया ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉपर चेक कर लेना। और जितने दिन के लिए आप प्लान करो, चाहे 4 दिन 5 दिन, वो पूरा पेमेंट आपसे एडवांस पे ले लेंगे, आपकी एक आईडी रिसीव कर लेंगे, वो रख लेंगे, जब आप वापसी
दोगे तो वो आपको वापसी कर देंगे। और आप 500 रुपये में स्टार्टिंग आपका स्कूटी का चार्ज है, और टिल अगर आप हिमालयन बाइक बुलेट वगैरह करनी है तो अराउंड 1500 तक इनका प्राइस जाता है। तो वेरियंट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्क्रीन पर आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये आपको बाइक प्रोवाइड कर देंगे शिलोंग के अंदर। इवन गुवाहाटी के अंदर चाहिए तो आपको स्क्रीन पे एक और नंबर नजर आ रहा होगा, गुवाहाटी के अंदर ये आपको बाइक प्रोवाइड कर देंगे, बाइक स्कूटी जो भी आपको लेना है। तो आप इनको कॉल कर लीजिएगा और इनके ऑफिस वगैरह चले जाइएगा, तो वहाँ आपको ईजिली आपको बाइक वगैरह मिल जाएगी। पर मैं एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा हिली एरिया, थोड़ा सेफली ध्यान से चलाइएगा। चंद्र भैया गए हैं ATM, जो कि अराउंड 1.5 किलोमीटर पीछे है। बिना ATM के बात बननी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल कैश नहीं है, और ऊपर कैश की जरूरत पड़ने वाली है, उसके बिना बात बनने वाली नहीं है। तो देखते हैं, तब तक मैं बैठ के चाय पी रहा हूँ, लाइट गई हुई है वरना चीज़ें चार्ज कर लेता है। चलिए सर, बाहर तक छोड़ने आ रहे हैं? नहीं नहीं, आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं आपको। तो काफ़ी अच्छा लगा, बाकी सब बढ़िया है। इन फ्यूचर में किसी तरह की वैसे हेल्प की जो, तो आर्मी वाले वैसे हेल्प करते हैं, पर स्पेशली अगर ये यहाँ होंगे तो ये तो कन्फर्म करने वाले हेल्प। तो अगर आप इनके अगर इस साइड आते हैं तो किसी तरह की कोई जरूरत हो तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये क्या जगह पड़ती है वैसे? जखामा। जखामा, ये आपका एरिया? ये सेंट जोसेफ कॉलेज। सेंट जोसेफ कॉलेज का जो गेट है जस्ट उनके सामने ही, थोड़ा सा आर्मी एरिया है, तो आप पहुंच सकते हैं। अगर रात बारात अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हेल्प करने के लिए पैसे भी तैयार रहती है इंडियन आर्मी। और आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक बार अपना नाम द्वारा शेयर करो। मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है। शैलेंद्र मिश्रा है, और इनका नीचे ही है, तो आप इजीली अगर कुछ जरूरत पड़ती है ज़बरदस्ती मत घुस जाना। काफ़ी हेल्पफुल लोग थे, और ख़ासकर शैलेंद्र जी, और इनसे कैंप में चले गए, ब्रेकफास्ट कराया, मुँह धोया, इवन वो गर्म पानी दे रहे थे कि अरे नहा धो लो। चंदन भैया मैं नहा लेता हूँ, मैं नहा लेता हूँ, ये पहले तैयार हो जाते हैं। तो मैं अगर रहने दे भाई, कल ही नहाया है, 10:30 हो रहे हैं, और यहाँ से विश्वमया विलेज हार्डली 6-7 किलोमीटर है, और यहाँ से ट्रैक शुरू कर रहे हैं फिलहाल। उम्मीद करते हैं ट्रैक सब बढ़िया रहे और सब चीज़ें ठीक रहें। फिलहाल ट्रैक तक स्टार्टिंग तक लेके चल रहा हूँ, और एक्चुअल ट्रैक की जो वीडियो है आपको अगली मिलेगी, तो बने रहिएगा साथ में। यहाँ तक वीडियो देख लीजिए, लाइक मार देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना नोमैडिक चंदन और ट्रैवलर जतिन को। चलिए देखते हैं, यहाँ लिफ्ट मांग के देखते हैं। 1.5 किलोमीटर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से ऊपर ट्रैक शुरू होता है। अगर आप इस साइड आ रहे हो नागालैंड साइड, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, अपने आप को थोड़ा मतलब वो मानते हैं कि हम फॉरनर हैं, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट नहीं मानते। तो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, फिसलना मत, फिसलना मत। और यहाँ की लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़कों को ज़्यादातर फंसा लेती हैं, और उसके बाद यहाँ के जो लड़के हैं गलत झगड़े करते हैं और लूटपाट कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है यहाँ, जो हमारे शैलेंद्र जी थे उन्होंने बताया, इस तरह से कई केस हो चुके हैं आर्मी वालों के साथ भी। मुझे तो किसी ने फंसाया। तो कहानी ये है कि भैया इनके साथ अगर यहाँ आ रहे हो और कोई लड़की आपको स्माइल दे रही है और कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, तो बी केयरफुल, मत जाना, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई तो मुझे पटा लो। हाँ, इसके साथ हो सकता है, किसका कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्री है, ठीक है भैया। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं अगर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मतलब विलेज के अलग अलग टुकड़े हैं, एक इस साइड से भी एंट्री है, एक उस साइड भी एंट्री है। थोड़ा बहुत सामान ले लिए ऊपर, मतलब वजन बढ़ा लिया अपना और उठा के लेके जाने का। और आपको एक चीज़ बताऊँ, जब कल हम गाँव में घूम रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने डॉग्स पाल रखे थे, तो मुझे हैरानगी हो रही थी। मैं कहा नीचे तो कुत्ते खा रहे थे और यहाँ कुत्ते पाल रखे हैं, तो अभी पता चला कि वो कुत्ते काट के खाने वाले हैं। मतलब पहले उसको पालेंगे, जब उनको लगेगा कोई फेस्टिवल कोई चीज़ होगी तो उस टाइम पे वो उनका काम कर जाएंगे। ऐसे ही बता रहा था। तो ये फैक्ट है। तो मैं सोचा था बड़ा उन्होंने पाल रखे कुत्ते, कितने अच्छे लोग हैं, पर एक्चुअली उनकी सच्चाई कुछ और है। क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे मुर्गी पालते हैं। हाँ, में कुछ कुछ नहीं, मुर्गी के लिए तो फिर भी ये होता है कि अंडा देगी, मुर्गा होता है कि खाने का होता है। तो सर ने हमें लिफ्ट दे दी है और काफ़ी हद तक गाइड कर दिया है कैसे जाना है, और ऊपर जाने की एंट्री टिकट भी है, और काफ़ी लोग यहाँ से जा रहे हैं ट्रैक पे, तो देखते हैं साथ में निकलते हैं कैसे करना है। तो गाइस यहाँ पे ये ग्रुप जा रहा है, और तो हम भी बैठ रहे हैं, अब गाड़ी में साथ में बैठेंगे। और गाड़ी लेती है 1500 रुपये, जो कि ऊपर लेके जाती है 8 किलोमीटर तक। तो 8 किलोमीटर के बाद ट्रैक स्टार्ट होगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ आधा किलोमीटर आधा सफ़र हो जाएगा, उसके बाद जल्दी हम करेंगे। तो हम फिलहाल शेयर कर रहे हैं गाड़ी के अंदर भैया। तो सर ये गाड़ी यहाँ से जाती है ये ट्रैक के लिए, तो आप गाड़ी बुक करनी हो तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर बताओ। 9856228212। नाम क्या आपका? नी है। तो भैया इनको कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आपको जाना है। तो इस तरह से गाड़ी जाती है, 1500 लेते हैं, 8 किलोमीटर तक आपको ड्रॉप कर देगी, और ये नंबर मैंने ले लिया, इनके से अगर वापसी आते हुए भी बुलाना होगा तो इनको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर नंबर फ़ोन चलता है,
ऊपर फोन चलता है, ये बात अच्छी है। हम जा रहे हैं जोको वैली। और जोको वैली, जूको वैली तो हम जा रहे हैं जूको वैली। नाम पे मत जाना, प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाती है। तो ग्रुप मिला है, उनके साथ शेयर करके जा रहे हैं। गाड़ी लगेज के साथ भी जा सकते हो और आप खुद भी चढ़ के जा सकते हो। यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर है, तो फटाफट चलिए। तो हमें ज्वाइन करा है यहाँ पे दो लोग और हैं, और आसाम से हैं ये ग्रुप, और इनके बाकी लोग सारे ट्रैक करके जा रहे हैं। इसमें खाना है? हाँ, खाना। खाना हम खुद बनाने वाले हैं? हाँ हाँ। तो ऊपर भी तो मिलता है वैसे? हाँ, वैसे हमारा खुद का मतलब है, ट्रैवलिंग एजेंसी है। तो ट्रैक कराते हो क्या? हाँ, ट्रैक कराते हैं हम लोग। चलो ये काम बढ़िया।